नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि इसकी वजह से आप और हम जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंच पाए। नमस्कार, अगर आप भी मोदी के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्या बंद हो गए 2000 रुपये के नोट? एटीएम में हो रहा है बदलाव, क्या है पूरी खबर? है वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। नोटबंदी के बाद चलाए गए 2000 रुपये के नोट के भविष्य को लेकर एक बार चर्चा फिर आई। असल में बैंकों द्वारा अपने एटीएम में बदलाव कर इनमें ऐसे नोटों की जगह 500 रुपीज़ की नोटों के रखने की बड़ी पैमाने पर कहवाज चल रही है। इसकी वजह से यह चर्चा फिर जोर पकड़ रही है। क्या 2000 की नोट फिर बंद होगी? सूत्रों के मुताबिक देश भर के 2.4 लाख एटीएम मशीनों को बड़े पैमानों पर रिकैलिब्रेट कर उनमें 2000 रुपीज़ की नोट वाली जगह को हटाकर उनकी जगह 500 रुपये की नोट कवायद चल रही। असल में एटीएम के अंदर 4 कैसेट होते हैं जिनमें 2000, 500, 200 और 100 रुपये के नोट रखे जाते। अब नई व्यवस्था के अनुसार पहले 3 कैसेट में 500 रुपीज़ के नोट रखी जाएंगी और चौथे में 200 या 100 रुपये की नोट रखी जाएगी। खबर के अनुसार बहुत से एटीएम में 2000 वाला कैसेट हटा दिया गया है और एक साल के भीतर बाकी से भी हटवाया जा सकता है। अब जो 2000 के नोट आ रहे हैं उन्हें बैंकों की करेंसी चेस्ट में रखा जा रहा है, यानी उन्हें रिजर्व बैंक के वॉल्ट में वापस भेजा जा सकता है। जा दोस्तों, ऐसे ही 2000 रुपीज़ के बारे में लेटेस्ट खबर पाने के आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए।